हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आज इस वीडियो में आप सबको दिखाऊंगा कि आप वीडियोकॉन D2H के इस रिमोट को अपने टीवी के रिमोट के साथ कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियोकॉन D2H के इस रिमोट के साथ आप अपने टीवी का ऑन ऑफ बटन, ऑडियो वीडियो बटन और वॉल्यूम अप डाउन और म्यूट बटन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, सिंक्रोनाइज करने के लिए आप अपने टीवी के रिमोट के सामने अपने D2H का रिमोट रखिए और उसके बाद ये यूनिवर्सल की है, इसके साथ टीवी का ऑन ऑफ बटन दोनों को इकट्ठे दबाइए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक हो जाएगी और इसके बाद आप अपने टीवी का ऑन ऑफ बटन दबा दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो गई है। तो आपका ये टीवी का ऑन ऑफ का बटन इसके साथ सिंक्रोनाइज हो चुका है। और इसके बाद यहाँ से आप अपने टीवी के म्यूट बटन को भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जैसे ये लाइट ब्लिंक होगी तो आप अपने टीवी के रिमोट से ये बटन दबा दीजिए म्यूट वाला। ये देखिए, ये कॉपी हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम अप डाउन बटन को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन दो कीज को दबाइए और जैसे ही लाइट ये ब्लिंक होगी उसके बाद आप अपने टीवी के रिमोट का वॉल्यूम अप बटन दबा दीजिए। तो ये सिंक्रोनाइज हो गया है। तो इसी तरह आप वॉल्यूम डाउन बटन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने टीवी के रिमोट से अपने D2H के रिमोट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।